अपने पीपल्स पार्टी ने जलसा कर कराची वालों के दिल जीत लिए। शहीद कव्वाल अमजद साबरी की वालिदा और भाई भी जलसा गाह में पहुंच गए हैं। दोनों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मजीद जानेंगे आजाद नोहड़ियों से। आजाद नोहड़ियों, आप अमजद साबरी की वालिदा आई हैं, उनके भाई आए हैं, इनके आने का भी अहवाल बताइएगा और अब क्या हालात हैं जलसा गाह के? आजाद नोड़ियों, आप हमें सुन पा रहे हैं? आजाद नोड़ियों से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची में उस इलाके में जलसा कर रही है जिसे पहले मुत्तहिदा का गढ़ कहा जाता था, लियाकतबाद में जलसा कर रही है और इस वक्त जलसा जो है वो बहुत भरपूर अंदाज में जारी है। आजाद नोड़ियों हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आजाद नोड़ियों, आप बता रहे थे अमजद साबरी की वालिदा उनके भाई पहुंचे, कैसा इस्तकबाल किया गया और जलसा गाह का इस वक्त हाल क्या है? जी बिल्कुल तारक मसीन, इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमकेएम के घर समझा जाने वाले इलाका लियाकतबाद में जलसा कर रही है। कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो सरदारी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन इस जलसा शुरू होने से कबल ही लियाकतबाद के इलाके में मुख्य मिराशी जो है शहीद मारूफ कवाल अमजद साबरी की वालदा और उनके भाई यहाँ पर जैसे पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उनको जो है स्टेज पर बुलाया गया। इस वक्त जो है वो स्टेज पर मियां रजा रबानी और पीपल्स पार्टी के दीगर जो मरकजी रहनुमा है उनके हमरा मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो सरदारी जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे तो अमजद साबरी की वालदा और उनके भाई उनसे मुलाकात करेंगे और अमजद साबरी के कत्ल केस के बाद में जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने उनके साथ जो आजाद नोड़ियों, बहुत शुक्रिया आपका।